नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, गुलाब के बारे में आप में से सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुलाब एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग किया जाता है। कई सारे स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाने में भी गुलाब का काफ़ी उपयोग होता है और यह खास तौर पर स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गुलाब के तेल के फ़ायदे, जो कि खास तौर पर स्किन के लिए होते हैं, तो इसी संदर्भ में आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है कि गुलाब के तेल आखिर में अपनी स्किन के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है, कितना ज़्यादा लाभकारी होता है। तो दोस्तों, गुलाब के तेल का इस्तेमाल स्किन को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। गुलाब का तेल आपको बाज़ार में मिल जाएगा। अगर आपको लोकल मार्केट में रोइस ऑयल नहीं मिल पा रहा हो तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ये तो बात हुई गुलाब के तेल की कि इसको आप कहाँ कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर यह मिल जाता है। अब बात आती है इसके तेल से स्किन को होने वाले कुछ लाजवाब फ़ायदों की, तो चलिए जान लेते हैं उन्हें भी। दोस्तों, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। गुलाब के तेल के इस्तेमाल से रूखी, बेजान और बूढ़ी स्किन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। गुलाब के तेल से स्किन की मालिश करने पर आप अपनी उम्र से काफ़ी कम उम्र के दिखाई देते हैं। चेहरे पर गुलाब का तेल लगाने से चेहरे का पर बुढ़ापे का असर दिखाई नहीं देता है। गुलाब के तेल को चेहरे पर लगाकर मसाज करने से चेहरे की झुर्रियाँ और रेखाएं भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा पिंपल्स के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होता है। गुलाब के तेल में तेल के इस्तेमाल से चेहरे के मुहासे और दाने गायब हो जाते हैं। इससे न सिर्फ चेहरे के पिंपल्स दूर होते हैं बल्कि स्किन भी दाग धब्बों से रहित होती है। गुलाब के तेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो पिंपल्स पैदा करने वाले कारणों को खत्म करता है। आप आस्वादित जल को गुलाब के तेल में मिलाकर उसकी तीव्रता को कम करके चेहरे पर लगा सकते हैं। इसे लगाने के एक घंटे बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धोकर आप साफ कर सकते हैं। अगला इसका फ़ायदा आता है कि यह स्किन की सफाई करने के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, रोज़ ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे स्किन पोर्स यानी कि रोम छिद्रों में गंदगी जमा नहीं हो पाती है। यह स्किन को साफ करके उसे हेल्दी बनाता है। गुलाब के तेल के इस्तेमाल से चेहरे से गंदगी और धूल मिट्टी को हटाया जा सकता है, जिससे चेहरे में निखार आता है और चेहरा चमकदार बनता है। दोस्तों, यह हाइड्रेटिंग बेस का भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, यह काफ़ी बढ़िया हाइड्रेटिंग बेस के रूप में काम करता है जो फाउंडेशन को पिघलने से रोकता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। थोड़ा सा गुलाब जल का तेल लेकर उसमें पानी मिला लें और उसे पतला कर लें। अब आप इस फाउंडेशन लगाने से पहले लगाएं। गुलाब के तेल के इस्तेमाल से चेहरे पर मोटा बेस बनने में सहायता मिलती है, जिससे फाउंडेशन को अच्छी तरह से लगाने में आपको आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना है कि गुलाब के तेल से चेहरे की तब तक मालिश करनी चाहिए जब तक स्किन इसे अच्छी तरह से सोख ना ले। इसके अलावा स्किन में अगर किसी प्रकार की आपकी सूजन हो गई हो तो उसके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। यह स्किन की सूजन और जलन को दूर करके उसे हेल्दी रखता है। गुलाब के तेल की कुछ बूंदें स्किन में जलन होने वाले स्थान पर लगाने से फ़ायदा होता है। दोस्तों, आंखें के नीचे हुई ड्राई स्किन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर आंखों के नीचे आपके ड्राई स्किन की समस्या है तो गुलाब के तेल का इस्तेमाल करें। गुलाब के तेल में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के नीचे की स्किन को नमी प्रदान करते हैं। आंखों के नीचे की त्वचा पर गुलाब के तेल से मसाज करें। इससे आंखों के नीचे की त्वचा नमीयुक्त बन जाएगी और इसका रूखापन भी दूर हो जाएगा। इसके अलावा यह स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करता है। गुलाब का तेल पीएच लेवल को नियमित करता है, जिससे स्किन नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज हो जाती है। गुलाब का तेल स्किन को नमी प्रदान करता है, इसलिए ज़्यादातर मॉइस्चराइजर क्रीम में गुलाब का तेल होता ही है। आप चाहे तो अपनी नियमित क्रीम में थोड़ा सा गुलाब का तेल मिलाकर चेहरे पर लगा सकती हैं। इससे भी स्किन में नमी लंबे समय तक बरकरार रहती है। इसके अलावा दोस्तों, यह चौड़े रोम छिद्रों को कम करता है। गुलाब के तेल में एस्ट्रीजेंट के गुण पाए जाते हैं जो चौड़े हुए रोम छिद्रों को छोटा करता है, जिससे उनकी गंदगी और मेल जमा नहीं हो पाती है। 30 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को गुलाब के तेल का इस्तेमाल अपने चेहरे पर जरूर करना चाहिए। इससे स्किन पोर्स की सफाई होती है और चौड़े हुए रोम छिद्रों को छोटा करने में मदद मिलती है, जिससे दाने और पिंपल्स आदि की समस्या नहीं होती है।
तो दोस्तों ये थे गुलाब के तेल के फ़ायदे, ख़ास तौर पर स्किन के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में आप लोगों के लिए एक जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।